हमारी इस वीडियो की टॉपिक है लोहे और कॉपर के बीच पक्का वेल्डिंग करने का तरीका, ताकि बिल्कुल भी लीक ना हो और वेल्डिंग इतनी मजबूत हो ताकि प्रेशर से भी लीक नहीं आए। तो किस तरीके से कॉपर और लोहे के बीच में वेल्डिंग किया जाता है, कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं, हम इस वीडियो में दिखाएंगे। एक वेल्डिंग करके आपको सिंपल और सरल तरीके से दिखाते हैं। तो ये है हमारे पास कंडेंसर्स की तार है जो कि लोहे की होती है। अब मैं इसको इस कंप्रेसर की पाइप पे लगा देता हूँ, इसके पीछे आग नहीं जाए, इसलिए मैं यहाँ पर इस तरीके से टीने का यूज करता हूँ। देख सकते हैं टीने का यूज हमने किया है। यहाँ पर मैं एक वेल्डिंग टॉर्च और वेल्डिंग गैस की टंकी के साथ इसको वेल्डिंग स्टार्ट करता हूँ। तो लाइटर लगाकर मैं इसमें आग स्टार्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं ये जो आग है वो जलने लग चुकी है। मैं यहाँ पर एक वेल्डिंग मारूंगा, काफी सिंपल और सरल तरीके से बताऊंगा कि कॉपर और लोहे के बीच पक्का वेल्डिंग किस तरीके से करते हैं, जो कि लीकेज की चांस बहुत कम हो जाती है। चलिए लाइव प्रूफ देखते हैं वेल्डिंग मारते हैं। कैमरा थोड़ा सा जूम कर देता है कि और क्लियर दिखेंगे। यहाँ पर देखिए लोहा जल्दी गर्म हो जाता है और यहाँ पर कॉपर थोड़ा सा लेट में गर्म होता है। दोनों के बीच में सिंपल जो वेल्डिंग रॉड है, वेल्डिंग रॉड, उससे करेंगे तो जल्दी चिपक नहीं आती है, कई बार गैपिंग आ जाती है। उसके लिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं फ्लैशिंग पाउडर। देख लीजिए ये जो फ्लैशिंग पाउडर है, देख पा रहे इस तरीके से पाउडर आती है, इसका यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं। दोस्तों इस तरीके से टीना रखकर अगर हम वेल्डिंग करते हैं तो काफ़ी बेनिफिट होता है, गैस लॉस नहीं होती है और हमारी जो वेल्डिंग है वो जल्दी से हो जाती है। देखिए ये जो पाउडर है काफ़ी काम की होती है, इस पाउडर से काफ़ी अच्छी चिपक बना बनती है। पीछे के हिस्से को वेल्डिंग मारने के लिए तार को थोड़ा सा बैंड करना होता है, ताकि इसके पीछे की साइड अच्छे से वेल्डिंग आ जाए। तो अब यहाँ पर देखिए फाइनली जो है वेल्डिंग हो चुका है, हमने लोहे और ये जो कंप्रेसर के पाइप के बीच में बढ़िया से वेल्डिंग मार दिया है। कॉपर और लोहे के बीच में वेल्डिंग को अच्छी तरीके से चिपकाने के लिए फ्लैशिंग पाउडर का यूज करते हैं, जिससे गैपिंग की चांसेस कम हो जाती हैं। प्रेशर पड़ने पर भी अगर अच्छी मजबूत वेल्डिंग हो जाती है तो वहां से लीक की चांस कम हो जाती है। इस तरीके से आप भी जो है लोहे और कॉपर के बीच में वेल्डिंग करना हो तो उसको अच्छी मजबूती लाने के लिए फ्लैशिंग पाउडर का यूज़ जरूर करते हैं, क्योंकि इसके बिना कई बार
लोहे और कॉपर के बीच में ज्वाइंट नहीं हो पाती है। तो हमने इस वीडियो में दिखाया कि काफ़ी सिंपल और सरल तरीके से कैसे ज्वाइंट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, फिर से लाएंगे नई वीडियो नई जानकारी लेकर।